सो है व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब यार। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, साथ ही आज के इस प्रेजेंट कमाल वीडियो में। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूवर हैं यार, तो आप लोगों ने इस फोटो को तो जरूर देखा होगा अगर आप मुझे Instagram पर फॉलो करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन पर एक बार जाकर के जरूर विजिट करें। सो गाइस सर, बढ़ते हैं आगे अगले इस वीडियो की ओर। तो गाइस सर, इस फोटो को जो मैंने अपलोड किया Instagram पर, तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई इसका ट्यूटोरियल लेकर के आओ। सो गाइस सर, आप लोग कुछ कहे और मैं उसको ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए यार इसका वीडियो जो है बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए बना करके मैं ले आया हूँ। सो गाइस सर, एक बात और, ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है क्योंकि एडिटिंग काफी टफ एंड यूनिक है, लेकिन टेंशन लो, तुम्हारा भाई इसको बहुत ही आसान तरीके से तुमको इसको करना सिखाएगा। सो गाइस सर, बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना और लाइक कर दो अभी इस वीडियो को, और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस सर, ये है हमारा वो बैकग्राउंड जिस बैकग्राउंड पर आज हम एडिटिंग करने वाले हैं, इस फोटो की एडिटिंग इसी बैकग्राउंड पर करने वाले हैं। सो गाइस सर, अभी इस बैकग्राउंड पे हम थोड़े से चेंजेस करेंगे, जैसे कि इसको थोड़ा सा ब्लरिंग इफेक्ट देना है अपने को। सबसे पहले चलेंगे टूल्स पर, यहाँ से आपको एक टिट शिफ्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सबसे पहले यहाँ पर इससे बहुत ही कमाल का एक रियलिस्टिक ब्लर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर हम कर देंगे पूरा ब्लर, जिसकी ओपेसिटी हम रखने वाले हैं लगभग यहाँ पर 20%। तो 20% ओपेसिटी हम यहाँ पर रख लेते हैं, इसकी बहुत ज्यादा हो गई, 20 इज बेस्ट। एंड उसके बाद सिंपली यहाँ से कर देंगे डन। सो गाइस सर, हमारा बैकग्राउंड जो है यहाँ पर हो चुका है रेडी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो यार बात करते हैं अब अपनी फोटो की, तो किस टाइप के पोज में जो है आपको अपनी फोटो क्लिक करवा लेनी है। सो गाइस सर, मैं दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह के पोज में एक सिंपल सी फोटो क्लिक करवाई थी। तो चलते हैं ऐड फोटो की ओर, एंड यहाँ से लेकर के आते हैं अपनी फोटो को जिसको मैंने क्लिक करवाया था। कुछ इस तरह की फोटो जो मैंने क्लिक करवाई थी, आप भी कुछ इसी तरह की पोज में एक फोटो क्लिक करवा सकते हैं। एंड उसके बाद ध्यान ये रखना है कि आपका जो हैंड है वो सामने की ओर हो, क्योंकि हम जो कि सारी जो भी एडिटिंग करने वाले हैं वो अपने हैंड पर करने वाले हैं, जो कि स्नैक है वो भी हम सारा कुछ इसमें हैंड पर ही डालने वाले हैं। सो गाइस यार, अब हम चलते हैं ऐड फोटो गियर, इसके बैकग्राउंड को कर लेना है रिमूव, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है रिमूव। यार बैकग्राउंड रिमूव करना तो आप सबको आता ही होगा, बहुत ही बेसिक सी चीज है, पिक्सआर्ट में बहुत सारे टूल्स हैं इसके लिए। सो गाइस यार, इसके बैकग्राउंड को जो हमने कर लिया है रिमूव यहाँ पर। एंड हाँ, अभी हम इसके हेयर्स को भी यहाँ से हटा देंगे, और अगर आप चाहते हैं तो आप वही हेयर्स अपने रख सकते हैं, बट हाँ हेयर्स परफेक्टली रिमूव होने चाहिए। सो गाइस यार, यहाँ पर हम इसकी ओपेसिटी और हार्डनेस को बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, एंड उसके बाद इसके हेयर्स को हम साइड साइड से हटा देने वाले हैं यहाँ पर। एंड हम यहाँ पर यूज करेंगे एक हेयर पीएनजी को। सो गाइस सर, इतनी फोटो को हम यहाँ पर डन कर लेंगे, एंड उसके बाद हम चलते हैं अपनी हेयर की पीएनजी यहाँ पर लेकर के आते हैं। सो गाइस सर, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, मतलब बहुत ही कमाल एंड यूनिक एडिटिंग यहाँ पर होने वाली है। सो गाइस सर, हम सबसे पहले इस हेयर पीएनजी को एडजस्ट कर लेते हैं, जो भी हमारी बेसिक चीजें हैं वो हम यहाँ पर पहले कर लेंगे। सो गाइस, हेयर पीएनजी एडजस्ट करना तो आप सभी को आता ही होगा, और नहीं आता है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है हेयर पीएनजी एडजस्ट करने में, हमारे बाल जो दिखने लगते हैं आगे साइड के, या जो हेयर पीएनजी है वो हमारे सर पर अच्छे से एडजस्ट नहीं होती है। तो उसके लिए यार आज इस वीडियो को देखो आप लोग, आगे मैं बताऊंगा सारा कुछ कि कैसे हम लोग जो है अपने हेयर्स को परफेक्टली जो है करते हैं, एकदम जो रियलिस्टिक फिनिशिंग होती है वो कैसे करते हैं। तो ये इतना कुछ जो साइड साइड से अरेंज कर देना, और ये कर देने के बाद जो है हमारे हेयर्स कभी कभी पूरी तरह से जो है एडजस्ट नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर। तो इतना काम तो यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट, एंड उसके बाद सिंपली यहाँ से हम इसको डन कर देंगे, एंड बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, क्योंकि फिनिशिंग करनी है अपने को। तो फिनिशिंग कैसे करने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए, बताते हैं आपको। तो चलिए डन कर दिया, एंड उसके बाद बढ़ते हैं अपने इसकी फिनिशिंग कैसे करेंगे। तो चलेंगे टूल्स की ओर, एंड टूल्स पर एक बहुत ही कमाल का एक जो है ऑप्शन आपको दिखाई देगा, क्लोन का। तो शायद आप लोग इसको जानते भी होंगे, क्लोन, जैसे कि इसका नाम है क्लोन, बस सेम इसका यही काम है। तो हम यहाँ पर इसको क्लोन देने वाले, यानी अपने को जो हमारे हेयर्स जो पहले वाले थे वो नीचे से दिख रहे होंगे, तो इनको हटाने के लिए हम इस क्लोन वाले टूल का यूज करने वाले हैं, और इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी, यकीन मानो। तो कमाल की फिनिशिंग अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे क्लोन बनता चला जा रहा है, हमारे हेयर्स पूरे रिमूव होते जा रहे हैं। एक जो हेयर पिन जी हमने लगाई है एकदम रियलिस्टिक लगेगी अभी यहाँ पर। तो यार मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया है वीडियो को, तो आप लोग देखिए इसको, बहुत ही कमाल का ये टूल काम करता है यहाँ पर। तो देखिए मैंने इसको फिनिशिंग स्टार्ट कर दी, सो गाइस यार बहुत ही अच्छी एक फिनिशिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली। इस टूल का जो है आप यूज जरूर से करें, सो गाइस यहाँ पर हम अपनी हेयर्स को जो है बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग कर पाएंगे, एंड सिंपली उसके बाद यहाँ से कर देंगे डन। सो गाइस सर, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग, अब आपको कोई भी जो है हेयर्स एक्स्ट्रा जो अंदर के नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ऐसा लग रहा है यही हेयर पीएनजी नहीं, यही हेयर्स हैं हमारे। सो गाइस सर, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो अगला पीएनजी अपने को लेकर के आने वाला है वो स्नैक का पीएनजी है यहाँ पर। सो गाइस सर, ये स्नैक का पीएनजी हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस स्नैक को दो बार में यूज करेंगे इस पीएनजी को। तो सबसे पहली जो पीएनजी यूज करने वाले हैं वो अपने हाथ के लिए नीचे की साइड, कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है इसको, एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ पर इरेज कर देंगे, और कितना इरेज कर देंगे वो सिर्फ यहाँ तक ही अपने को इरेज करना है। एंड उसके बाद जो दोबारा हम लोग हेयर पीएनजी का यूज करने वाले हैं, उसका सेकेंड टाइम में पूरा जो है यूज हो जाएगा यहाँ पर। तो चलते हैं फिर से इस स्नैक की पीएनजी को लेकर के आते हैं यहाँ पर, एंड
उसके बाद हम इस बार इसके ऊपर के पार्ट को यूज करने वाले हैं ताकि हमारा जो है स्नैक परफेक्टली, कभी कभी हाथ की साइज या वो पोज थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो हेयर पिन आप लोगों की एडजस्ट नहीं होती, तो उसके लिए ये बहुत ही कमाल का तरीका है। आप 2 बार में, 3 बार में, जितनी बार में यूज कर सकते हैं उसको यूज करें, लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बस लगे नहीं कि ये अलग से किया है। सो गाइस सर, हमने यहाँ पर इसको भी एडजस्ट कर लिया, अब जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हम यहाँ से हटा देंगे। सो गाइस सर, एक्स्ट्रा पार्ट को मैं जल्दी से यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ एंड उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। अगले स्टेप में यार यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे थोड़ा सा एंड उसके बाद चलेंगे इरेजर पर, तो यार हमारी फिंगर में है वो उसको दिखनी चाहिए, तभी तो ऐसा लगेगा कि अंदर से घूम के आया सांप। तो यहाँ पर हम अपनी फिंगर को इरेज करके बाहर निकालने वाले हैं फर्स्ट फिंगर को, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जल्दी मैं इरेज कर देता हूँ एंड बिल्कुल एज इट इज आप लोगों को भी ऐसे यूज करना है, तभी आप एक परफेक्ट जो है फोटो तैयार कर पाएंगे। और थोड़ा सा टाइम लगता है इस फोटो को बनाने में, थोड़ा टाइम लीजिए तभी एक अच्छी फोटो निकल के आएगी। एंड हमारा जो है स्नैक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है एंड सिंपली यहाँ पे डन करते हैं। हमारी फोटो का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क जो है अभी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, लेकिन अभी बहुत सारे काम बाकी है, तो यार वीडियो में बने रहिए, प्लीज स्किप मत करिएगा वीडियो, पता नहीं कौन सा स्टेप छूट जाए आपसे। तो चलिए ऐड फोटो पर चलते हैं, जो ब्लड का पिन, जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट है स्नैक बाइट, तो कुछ इस पीएनजी को 4 टाइम्स ले लेना है अपने को। तो अभी मैं इनको साइड में फेंक देता हूँ एंड एक को लेता हूँ, क्रॉप करूंगा इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो अपने को जितना चाहिए हम उतना क्रॉप कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम में अपन इतना सा ही क्रॉप करेंगे इस साइज को एंड इसको इसको लेकर चलने वाले हैं फर्स्ट फिंगर पर ऐड करेंगे। तो कुछ इस साइज में अपने फर्स्ट फिंगर पर ऐड कर लेंगे एंड इसके बाद इसमें बहुत कुछ काम करना है जो कि आप आगे देखेंगे। अभी इसके ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ताकि एक रियलिस्टिक कलर टोन देखने को मिलेगी आपको ब्लड की। एंड उसके बाद इरेजर पर चलेंगे, जो भी एक्स्ट्रा चला गया है मतलब ब्लड हमारा कहीं एक्स्ट्रा फैल गया उसको यहाँ पर हम लोग हटा देने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर रिमूव कर देंगे इसको एंड देख रहे होंगे आप जो है इतना तो हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। हम बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट दूसरी जो है ब्लड की पीएनजी को एंड इसको भी हम लोग क्रॉप करेंगे, तो इसको क्रॉप कर लेंगे कुछ इतना क्रॉप कर लेंगे इसको। सो फ्रेंड सर, इसको हम लोग यहाँ पर कुछ इतना क्रॉप कर लेंगे एंड इसका जो यूज होने वाला है वो अपनी मिडिल फिंगर पर होने वाला है। तो यार हम दोनों जो है, जो हमारी फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर है, उन दोनों पर हम इस ब्लड का यूज करने वाले हैं। सो गाइस सर, इसको कुछ इस तरह से इस साइज पर यूज कर लेंगे एंड इसको जो है एडजस्ट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसको पूरा इरेज कर देंगे, ऑल इरेज कर देंगे एंड उसके बाद जितना अपने को चाहिए, जितना पार्ट अपने को चाहिए सर, उतना ही ड्रॉ करेंगे। एक ये भी बेस्ट तरीका होता है पीएनजी को एडजस्ट करने का। तो काफी कुछ इस वीडियो में उम्मीद है आप लोगों को सीखने को मिल रहा होगा नया, तो यार कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। सो गाइस सर, बढ़ते हैं आप आगे, और भी एडिटिंग करनी है बहुत सारी। तो यार इतना तो हो चुका है यहाँ पर जो है कंप्लीट। अब हम उठाते हैं अपने तीसरे पीएनजी को एंड उसके बाद इसको भी क्रॉप करेंगे एंड इसको क्रॉप करेंगे कुछ इतना इस साइज में। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा कौन कितना क्रॉप करना है, कहाँ पर लगानी है एंड उसके बाद उसको उठाते हैं एंड लेकर चलेंगे अपने फर्स्ट फिंगर के नीचे। तो गाइस यार, इसको एडजस्ट करने का साइज कुछ इतना रहेगा, हम इसको और छोटा करेंगे और छोटा एंड कुछ इतना रखने वाले हैं यहाँ पर। एंड उसके बाद इसके ब्लेंडिंग मोड को, सॉरी पहले इरेजर पर चलते हैं एंड इरेज कर लेते हैं। तो यार हमारे जो इरेजर इरेज करने का मतलब ये है कि जो ब्लड है वो नीचे से आए, ऊपर से नहीं। बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं, ऐसा मत कर देना स्नैक के ऊपर से ही ब्लड चला रहा तो ये फेंक लगेगा। एंड उसके बाद इसके ब्लेंडिंग मोड को अपन ने कर दिया मल्टीप्लाई एंड उसके बाद उठाते हैं जो चौथा है। तो चौथे वाले पिंजी को कुछ इतना क्रॉप करने वाले हैं, इसको यूज करेंगे हम लोग मिडिल फिंगर में। तो मिडिल फिंगर के लिए हम यहाँ पर इसको लेकर के आते हैं एंड कुछ इस तरह से एडजस्ट करने वाले हैं। ऐसा लगना चाहिए कि दोनों जो लाइंस बन रही है ब्लड की वो एक जगह पर आके जो है इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो कुछ इतना यहाँ पर इसको भी हम लोग इरेज कर लेंगे एंड तो इतना यहाँ पर हमारा काम हो चुका है कंप्लीट ब्लड का। एंड एक लास्ट 1 PNG और बचा है जिससे ये पता चलेगा बहुत ही रियलिस्टिक ब्लड आपको देखने को मिलने वाला है। तो वो लास्ट PNG मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ एंड कुछ, अरे यार क्या, हाँ तो कुछ इस तरह का PNG है वो आप देख पा रहे होंगे एंड इसको यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं बिल्कुल नीचे एकदम बॉटम पर। तो चलते हैं इसको छोटा करते हैं एंड जूम करते हैं। तो कुछ इस साइज पर यहाँ पर अपने को इसको एडजस्ट करना है, तो और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा एंड इसको एडजस्ट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से देख सुन के। तो यार गाइस हमारा इतना काम हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट, ब्लड वगैरह सारा कुछ एडजस्ट हो चुका है यहाँ पर हमारा। एंड हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे एंड यहाँ से क्रॉप पर एंड एडजस्ट पर चलेंगे एंड एडजस्ट पर जाने के बाद हम सबसे पहले इसके कॉन्टेक्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे लगभग 25%। एंड उसके बाद जो हमारा टेम्परेचर है इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे लगभग 30, 36, 40 के अराउंड, 30 रख लेते हैं, 30 ग्राउंड। एंड उसके बाद इरेजर पर चलेंगे, देन इनवर्ट कर देंगे एंड ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, हार्डनेस एकदम 0 एंड ओपेसिटी लगभग 70% ग्राउंड। सो गाइस यार, अब हम ब्रश मारना स्टार्ट कर देंगे अपने पूरे मॉडल पर, मतलब जो भी हमारा मॉडल है उस पर पूरे पर अपने को ये ब्रश मारना है। इससे होगा क्या कि हमारा बैकग्राउंड से जो है हमारा मैच हो जाएगा। तो अभी मैं बिफोर एंड आफ्टर करके आपको दिखाता हूँ।
तो आप देखिए बहुत ही कमाल की एक टोन आपको देखने को मिलने वाली है। बस हर फोटो में ऐसा नहीं करना है, जिस फोटो में जैसी नीड हो, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन, जो भी जैसी नीड हो वैसा ही करिएगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पर टूल्स पर जाके इसकी ब्राइटनेस को एकदम माइनस कर देंगे। तो अपने को यहाँ पर अब शेडो बनानी है, लाजमी सी बात है। तो शेडो कहाँ कहाँ बनती है वो चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए, हेयर्स के नीचे एंड जो स्नैक है उसके नीचे शेडो बनेगी, लाजमी है। तो वहाँ वहाँ पर हम लोग जो है शेडो बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से मैंने फास्ट कर दिया है वीडियो को, लेकिन आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एंड उसके बाद जो है इसकी ओपेसिटी को हम एडजस्ट करेंगे ब्राइटनेस की, तो -100% ही बेस्ट है, एंड सिंपली डन कर देंगे यहाँ पर। सो गाइस सर हमारा शेडो भी कंप्लीट क्रिएट हो चुका है यहाँ पर, एंड अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो गाइस सर नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे एंड ऐड फोटो की ओर। एंड ऐड फोटो पर चलने के बाद हम यहाँ पर 2 टाइम्स इस सन के पीएनजी को लेंगे एंड 1 टाइम्स इस ब्लैक पीएनजी को। सो गाइस अभी इसको साइड पे हटा देते हैं एंड सन के पीएनजी को उठाते हैं। एंड इसके बाद इसके ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन करेंगे एंड इसको अपने पीछे कंधे की ओर, मतलब आप देख रहे हैं पीछे एक लकड़ी दिख रही होगी ब्लर सी, कोई पेड़ है, बस उसके साइड पर आपको एडजस्ट कर देना है ताकि हमारे कंधे पर भी हल्की सी लाइट पड़े। एंड उसके बाद जो दूसरा सन का पीएनजी है इसकी हुई को हम लोग जो है कम, मतलब माइनस की ओर ले जाएंगे। एंड हाँ, तो अगर आप ध्यान रखें तो फोटो को ऐड फोटो से ही एडिट करें, क्योंकि वहां पर आपको ये सब कुछ करने का जो है बढ़िया मिल जाता है, तो एडजस्ट भी कर सकते हैं आप लाइट कलर सारा कुछ, इसलिए ऐड फोटो का यूज करें। एंड उसके बाद इसकी ओपेसिटी को कम कर लेंगे। एंड अब आती है थर्ड, जो हमारी ब्लैक पीएनजी है, इसको हम लोग नीचे की ओर यूज करने वाले हैं। एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई रखना है, आपको याद रखना है। एंड मल्टीप्लाई कर देने के बाद इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, तो कितना सही लग रहा है, लगभग 50-40 देख लेते हैं, 27 के अराउंड, 27 एंड 30 के अराउंड यहाँ पर इसको रखेंगे एंड डन कर देंगे। सो गाइस हमारा पिक्स आर्ट का काम जो है यहाँ पर इतना ही था, अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ लेकिन अभी इतना ही था यहाँ पर। इसके बाद इसको यहाँ से डन करते हैं, ले चलते हैं लाइट रूम के अंदर। सो गाइस सर फोटो ऑलरेडी जो है हमने इम्पोर्ट कर रखी है लाइट रूम के अंदर, एंड उसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ पर। एंड तो ये रही हमारी फोटो जिसको हमने पिक्स आर्ट के अंदर अभी भी एडिट किया है। एंड उसको हम यहाँ पर कुछ इसमें कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी टोन इसमें डालेंगे कलर की। सबसे पहले जो आपको एक ऑटो का ऑप्शन दिखाई देता होगा, एक आपके अगर लाइट रूम प्रीमियम है तो आपको एक ऑटो का जो है टूल दिखाई देता होगा, तो उस पर क्लिक कर देंगे। एंड उसके बाद जो हम अपनी बेसिक चेंजमेंट करेंगे वो लाइट्स की, वो लाइट्स पर जाकर करेंगे, जैसे कि शेडोज को हम लोग कम कर लेंगे एंड जो है वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा कम करेंगे। ऐसी चेंजमेंट जो आपकी फोटो के नीड के हिसाब से हैं, एंड आप लोग देख पा रहे होंगे सामने स्क्रीन पर आपके, तो कुछ इस तरह के चेंजमेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। एंड उसके बाद जो हम यहाँ पर जो है कलर सेक्शन पे आते हैं, एंड ऑरेंज कलर जैसा कि हमारा जो है स्किन का कलर है, तो इसकी सेचुरेशन को अपने को माइनस की ओर ले जाना है, लगभग -40 के अराउंड। एंड लुमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, लगभग 10% के अराउंड। एंड उसके बाद आप देख पा रहे होंगे बिफोर एंड आफ्टर काफी अच्छी टोन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। एंड जो येलो है इसकी सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, एंड जो ग्रीन है इसकी हुई को एकदम माइनस ले जाएंगे, -100% एंड सेचुरेशन प्लस में एंड लुमिनस माइनस में। एंड उसके बाद जो इक्वा कलर है इसकी सेचुरेशन जो है प्लस में ले जाएंगे, एंड जो ब्लू है उसकी सेचुरेशन को माइनस में लगभग 50% के अराउंड हम रखने वाले हैं यहाँ पर, एंड सिंपली डन कर देंगे। तो गाइस अगर आपको देखने में प्रॉब्लम तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड उसके बाद चलते हैं इफेक्ट्स की ओर, तो यहाँ पर टेक्सचर 2% एंड क्लियरिटी जो है वो हमारी 15%, एंड जो अगला हमारा विग्नेट है उसको हम यहाँ पर लगभग 20%, एंड मिड पॉइंट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें, एंड फिदर पूरा -100% एंड उसके बाद सिंपली डन कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारा जो है लाइट रूम का काम अभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एंड उसको चलेंगे, इसको शेयर कर लेंगे वापस से पिक्सार्ट के अंदर। मैंने बोला पिक्सार्ट का काम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिनिशिंग जो हमारी फोटो की है फिनिशिंग बहुत जरूरी होती है, जिससे एक कलर टोन आती है, एक अच्छी सी फोटो जो हमारी लगती है दिखने में वो यहाँ पर होने वाली है। सो यार फोटो हमारी पिक्सार्ट के अंदर ओपन हो चुकी है एंड इसकी साइज को भी हमने बढ़ा लिया है। एंड अब हम चलते हैं एडजस्ट की ओर एंड इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर अपने को यार डॉज देना है, हल्का सा डॉज का इफेक्ट जो डॉज इन बर्न होता है, तो यहाँ पर डॉज डालेंगे। ओपेसिटी 12% एंड हार्डनेस एकदम 0%, एंड जो अपने को डॉज जो ब्रश मारने होते हैं वो हाईलाइट होने वाली जगह पर, जो ऑलरेडी हाईलाइट है उस जगह पर अपने को ये ब्रश मारने, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने किस किस जगह पर इस ब्रश को जो है यूज किया है, बस जो जगह हाईलाइट है हमारी पहले से ही बस उसी जगह। एंड कपड़ों पर जहाँ पर लाइंस बन जाती हैं कपड़ों पर, बस उस लाइंस पर आपको ये मारना है इफेक्ट। एंड जो हमारा ब्लड है तो ब्लड भी जहाँ पर लाइट पड़ रही है वहीं पर, हर एक छोटी सी छोटी चीज में भी अपने को ये डाउजन पर, जितनी छोटी चीज में आप डाल सकते हैं फोटो उतनी अच्छी लगेगी, जितना ज्यादा माइंड आप अपना यूज कर सकते हैं फोटो में उतनी अच्छी फोटो आपकी बनेगी। एंड सिंपली यहाँ पर डन कर देंगे, तो अब इफेक्ट्स जो पड़े हैं आपके सामने होंगे। एंड अब हम चलते हैं इफेक्ट्स की ओर, एक डॉजर का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा एंड इसको लगभग 90% यूज करना है। एंड उसके बाद एक और है जो शार्पनिंग का है, उसको अपने को लगभग 60% यूज करना है। बस यार हमारा यहाँ पर इतना काम हो चुका है कंप्लीट, फोटो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है बन करके। उम्मीद है यार आपको ये फोटो एंड वीडियो दोनों पसंद आए होंगे और इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा।